नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं आंजनेय दुबे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने 500 फरियादियों के फरियाद को सुना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उनकी सरकार के रहते कोई भी गरीबों को उजाड़ नहीं पाएगा। किसी ने ऐसा दुस्साहस किया तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई तय है। गरीबों की जमीन तो बचाई ही जाएगी, साथ ही जिन जिन भी जरूरतमंदों को अभी पक्का मकान नहीं मिल पाया है उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के दायरे में लाकर पक्के मकान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री कुर्सियों पर बैठाए गए फरियादियों के पास खुद पहुंचे, सबकी समस्याओं को सुनते हुए आश्वासित किया कि हर समस्या का समयबद्ध, पारदर्शी व संतुष्टिपरक निस्तारण किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट हिदायत दी कि किसी भी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले, कमजोरों को उजाड़ने वाले किसी भी सूरत में न बख्शे जाएं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। सरकार किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने देगी और हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाने को संकल्पित है। सीएम योगी ने कहा कि राजस्व पुलिस से संबंधित मामलों में प्रभावी कार्यवाही हो, साथ ही जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों को कड़ी कानूनी सबक सिखाया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी दबंग, माफिया, अपराधी किसी भी जमीन पर कब्जा न करने पाए। सीएम ने कहा कि अधिकारी जन कल्याण के कार्यों को सदैव प्राथमिकता पर रखें और हर पीड़िता की समस्या का त्वरित निस्तारण करना सुनिश्चित करें। इलाज में आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे लोगों को सीएम ने भरोसा दिलाया कि पैसों के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकने पाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि एस्टीमेट की प्रक्रिया को प्राथमिकता पर पूरा कराकर शासन को उपलब्ध कराएं। शासन से इलाज में भरपूर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। क्या है? आप लोगों के सेवाएं समाप्त करने के लिए कोर्ट ने कहा है ना? आप बताएं, एक एप्लीकेशन दो नहीं तो पोहा तो नहीं करते। क्या मामला, कहाँ जा रहे हैं? आपने दे दिया, हो गया? कहाँ से हैं, क्या हो गया? हमारा क्या है, आपने पैसा लोन दिया था तो लोन कौन देगा? लोन लिया तो उसको दो, चक्कर में मत पड़ो। जाओ चक्कर में मत पड़ो, उसको ओ टी एस निकाल कर उसको जमा करा दो। कमजोर कहाँ जाए, सब तक कमी निकालो। क्या हो गया है? आर डी एम बोले अगर घर कट गया तो आवाज़ दिला दो उनको। कहाँ जाए, लोन तो देना पड़ेगा, कैसे बात करते हो? ओ टी एस निकलती उस समय आपको आवेदन करना, पहले बैंक से लोन लो, बाद में फिर